हम लोग आज कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत उच्च प्रतिरोध अगर धातु चालक के बनाना हो तो असुविधाजनक होती है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत अधिक लंबे तार की आवश्यकता होती है। तो एक और अगर हम अधिक लंबे तार का इस्तेमाल करेंगे तो प्रतिरोध बहुत बड़े आकार का बनेगा। तो इसलिए यदि हमें उच्च प्रतिरोध जैसे किलो ओम व मेगा ओम वाट कोटि के बनाने हों तो इसके लिए अर्धचालक पदार्थ जैसे कार्बन का उपयोग करते हैं। तो इसीलिए इन प्रतिरोधों को कहा जाता है कार्बन प्रतिरोध। अब कार्बन प्रतिरोध में कुछ विशेषताएं होती हैं, इसलिए हम लोग कार्बन का इस्तेमाल करके प्रतिरोध बनाते हैं। तो कार्बन की प्रतिरोधकता धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, अतः इससे मेगा ओम कोटि का प्रतिरोध बनाया जा सकता है। बहुत अधिक वैल्यू का प्रतिरोध बनाया जा सकता है। और खासियत ये होती है मैन, इनका आकार सूक्ष्म होता है, तो इनको कहीं भी छोटी जगह पर फिट किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। और इनको बनाने में बहुत कम खर्च आता है, अतः सस्ते होते हैं। तो इन विशेषताओं की वजह से जो उच्च प्रतिरोध हैं वो कार्बन पदार्थ के, कार्बन अचालक पदार्थ से बनाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध होते हैं उनकी वैल्यू कैसे पढ़ते हैं और उनकी जो सहनशीलता कैसे ज्ञात की जाती है, अर्थात मतलब सहनशीलता का विश्वसनीयता से मतलब है कि वो कितने विश्वसनीय होते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड तथा सहनशीलता को समझते हैं। वर्ण कोड माने वही रंग, रंग से रिलेटेड। कार्बन प्रतिरोध का मान पढ़ने के लिए उस पर चार रंगीन पट्टियां बना दी जाती हैं। तो जो प्रतिरोध होता है फिजिकल, जो स्थूल अवस्था में जो वो उसका साइज वो होता है, आकार होता है, उसी के ऊपर रंगीन चार रंगीन पट्टियां बना दी जाती हैं। प्रथम तीन पट्टियां कार्बन प्रतिरोध का मान निर्धारित करती हैं, और चौथी पट्टी जो सुनहरी या सिल्वर रंग की होती है वो सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। तो प्रथम तीन रंगीन पट्टियों के लिए निम्नलिखित रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें उन रंगों को याद करने के लिए ये एक सेंटेंस लिखा गया है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो इसमें जो ये जो वर्ड हैं एब्रेविएशन के, पहले पहले वर्ड जो बी, पहला जो बीबी रॉय में पहला बी है वो ब्लैक के लिए हो गया, दूसरा ब्राउन के लिए, रॉय में आर रेड के लिए, ओ ऑरेंज के लिए, वाई येलो के लिए, और ग्रेट में जी ग्रीन के लिए, ब्रिटेन में बी ब्लू के लिए, और हैविंग मतलब है उसके वेरी वेरी वायलेट सेवन वायलेट के लिए भी, गुड के लिए जी में इस्तेमाल करेंगे, ग्रे ग्रे के लिए एट, और वाइफ के लिए डब्लू, यहाँ पर डब्लू जो है नाइन डब्लू वाइट, तो यहाँ से उठाए गए वर्ड। और यहाँ पर बियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, तो गोल्डन माने वही चौथी जो सहनशीलता वाली पट्टी होती है वो गोल्डन हो सकती है, सिल्वर हो सकती है, और नेकलेस माने नहीं भी हो सकती। तो वो चौथी जो बैंड है, चौथा बैंड आवश्यक नहीं है कि वो, तीन ही केवल बैंड बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार अब जो नंबरिंग करते हैं तो इसके लिए ब्लैक, ब्लैक के लिए जीरो, ब्राउन के लिए वन, इस प्रकार के से नंबरिंग कर दी जाती है व्हाइट तक, नौ तक। बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ, यहाँ तक तो नौ तक चले जाते हैं। अब जो प्रथम दो बैंड हैं रंगों के आधार पर उनको जीरो से नौ तक अंक निर्धारित करते हैं। तो दो बैंड जो पहले बनाए जाते हैं जैसे ये कार्बन, तो इसमें दो पहले शुरुआत के जो बैंड होते हैं वो रंगों के आधार पर जीरो से नौ नंबर लिख लिए जाते हैं, यानी अंक निर्धारित करते हैं, आंकिक वैल्यू उसकी निर्धारित करते हैं। और जो तीसरा बैंड है उसमें वो 10 की घात पर रंग का अंक निर्धारित करता है कि 10 की घात पर जिस रंग जो रंग होता है उसकी पावर लिख दी जाती है, उस रंग की वैल्यू को लिख दिया जाता है उस पर। जो चौथी पट्टी होती है लास्ट में अलग थोड़ी सी डिस्टेंस में होती है तीनों से हटके, उसको अगर सुनहरी पट्टी है तो सहनशीलता ±5% होती है, और अगर सिल्वर है उसमें सिल्वर की पट्टी है तो सहनशीलता 10% ±10% होती है, और अगर कोई पट्टी नहीं बनाई गई है उस पर चौथी पट्टी है ही नहीं, चौथा बैंड नहीं है, तो उसकी सहनशीलता ±20% कही जाती है। और जो सहनशीलता को प्रदर्शित ये हाँ चौथी पट्टी सहनशीलता को प्रदर्शित करती है।
और जो चौथी पट्टी है वो प्रतिरोध की विश्वसनीयता के परसेंट को बताती है। तो ये याद रखना यहाँ पर, जैसे अब ये देखिए यहाँ पर सीधा, ये कार्बन प्रतिरोध है, इसमें तीन पट्टियाँ, तीन ये बैंड बनाए गए हैं पास पास, तीन पट्टियाँ हैं रंग की, तीन रंगों की, और एक ये कुछ दूर बाद एक चौथी पट्टी बनाई गई है, तो ये अलग अलग। तो अब इनको पढ़ने का तरीका ये, मान लीजिए ये ब्लैक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ब्लैक नहीं, सॉरी ब्लैक हो ही नहीं सकती, क्योंकि ब्लैक के लिए जीरो है तो कोई वैल्यू निर्धारित नहीं होगी, तो यहाँ पर हमेशा पहली पट्टी ब्राउन ही कही जाएगी, ब्राउन ही होगी, ब्लैक हो ही नहीं सकती, ब्लैक तो बीच में हो सकती कहीं। तो ये ब्राउन है मान लीजिए पट्टी, और ये ऑरेंज है, और ये रेड है, तो ये तीन पट्टियाँ हो गई, और ये चौथी पट्टी जो है वो मान लीजिए ये इसकी सिल्वर की है, यानी चांदी की है, सिल्वर वाली। तो अब इसको पढ़ने का तरीका ये है कि पहली दो पट्टियां हैं वो आंकिक मान निर्धारित करेंगी। तो पहली ब्लैक के लिए हम लोग ब्राउन के लिए, सॉरी ब्लैक निकल जाता है, ब्राउन के लिए हम लोग एक लिखेंगे, तो यहाँ एक लिख लेंगे। फिर ऑरेंज यहाँ पर तीन है तो तीन लिख देंगे, अब तो दो आंकिक मान हो गए। और तीसरी पट्टी है जो उसमें 10 की पावर में उस रंग के नंबर लिखेंगे उस रंग का, तो ये तो तीसरी पट्टी है, इस ये रेड है, तो रेड का यहाँ पर दो नंबर है, तो दो नंबर है रेड का, इसलिए 10 की पावर 2 लिख लिया जाएगा। तो जो यहाँ पर तीसरी वाले बैंड की जो रंग होता है उसका नंबर 10 के घात में लिखा जाता है, तो ये वैल्यू हो गई। और इधर सिल्वर है तो 10% प्लस माइनस सहनशीलता हो गई, तो इसका जो इस कार्बन प्रतिरोध की जो मान है, वैल्यू है, वो है 1300 ओम। यहाँ 2 जीरो लिख लो, या पॉइंट को अगर यहाँ ले आते हैं तो 1.3 किलो ओम हो जाएगा, और इसकी सहनशीलता हो जाएगी प्लस माइनस 10%। तो इस प्रकार से हम लोग इन्हीं वेवी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के हिसाब से नंबरिंग याद करके और कार्बन प्रतिरोध के मान को पढ़ लेते हैं।